विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और सभी माननीय विधायक शपथ ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी की बैठक बुलाई गई है कि आगे क्या पार्टी में जो कार्यक्रम होंगे जाकर के, और माननीय विधायक जो आए हैं नए जीत के भी आए हैं जाकर, क्या हमारी भूमिका होगी जाकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री चाहते जो हैं आत्मनिर्भर बिहार, तो आने वाले समय में इस बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले एक महीने के अंदर में 19 लाख नौकरी भाजपा नहीं देती है तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे युवाओं के साथ मिलकर। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान जो किया है रोजगार के लिए, नौकरी में जगह जो नौकरी देंगे ही जाकर के, नौकरी के अलावा रोजगार का अवसर घोषणा पत्र के संयोजक में ही था जाकर के। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नौकरी की बात नहीं थी, वो बात थी जाकर रोजगार देने की बात जाकर, यानी नौकरी में जो पद खाली हैं, शिक्षा विभाग हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, वहाँ पद भरे जाएंगे और उसके अलावे जो खाली पद रह जाएंगे जो बने जो भर्ती के बाद बच जाएंगे लोग, तो ऐसे लाखों नौजवानों को बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, कृषि बेस राज्य हमारा जाकर, और कृषि मशीन संभावनाएँ हैं, तो कृषि के माध्यम से हम बिहार रोजगार का अवसर पैदा करेंगे और बिहार के नौजवानों को बैठने नहीं देंगे। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता है, लेकिन इस बार जो बीजेपी की जो टीम है बिहार में कैबिनेट की वो काफ़ी नई है, क्या ये नई टीम उतर पाएगी? उतर पाएगी, हम लोग साथ रहेंगे ना, हम लोग साथ मिलेगा।